हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का एक रिपोर्टार्ज है जिसमें बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है। पटना में जो उस समय बाढ़ आई थी 1967 में, उसका 18 घंटे भयंकर बारिश हुई थी, बिना रुके अविराम बारिश हुई थी, उसी का वर्णन इसमें कथाकार ने किया है कि किस प्रकार वो बाढ़ आई थी और कैसे हम लोग उस बाढ़ में फंसे थे, कैसा भयानक दृश्य था, इसी का पूरा वर्णन है। और मैंने इसको इसके बारे में आपको यहाँ तक बताया था कि जब लेखक एक कवि के साथ बाढ़ का देखने जाता है कि बाढ़ कहाँ तक आई है, उसका प्रलय कैसा है, तो वहाँ उसे बाढ़ स्वयं ही अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। किस रूप में? तरल मृत्युदूत के रूप में आती हुई दिखाई देती है। उसके आगे का चैप्टर आइए देखते हैं। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। आतंक के मारे डर, लेखक एकदम डर गया उस समय। कब डर गया? जब बाढ़ मृत्यु के तरल दूत के रूप में उसके सामने से बहुत तेजी से आ रही थी, उसके मुंह से कुछ और उसके दोनों हाथ जुड़ गए प्रणाम की मुद्रा में, जैसे हम किसी को प्रणाम निवेदन करते हैं, डर के मारे दोनों हाथ उन्होंने जोड़ लिए और मुंह से कुछ अस्फुट यानी अस्पष्ट, मुंह से उन्होंने भयवश कुछ शब्द तो बोले, लेकिन वो शब्द क्या बोले ये खुद न लेखक के समझ में आया न किसी और को सुनाई दिया, मतलब अस्फुट यानी अस्पष्ट शब्द थे वे। और इसमें दिया गया है डर गया था, तो उसमें कोष्टक में देखिए यहाँ दिया, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। लेखक अपना व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि हाँ मैं कायर हूँ डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाला जिस रिक्शे पर लोग बैठे थे वो कहता है कि चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला ए रिक्शा करंट बहुत तेज है आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा लौटा ले भैया आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। भीड़ जो अगल बगल जुटी थी, जब रिक्शा वाला बोला कि चलिए थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, तो भीड़ में से एक आदमी बोला कि आगे मत जाओ करंट बहुत तेज है। तो मैंने भी रिक्शे वाले से अनुनय यानी विनय करते हुए प्रार्थना करने वाले स्वर में बोला कि अरे भैया लौटा ले चलो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़ कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। वहाँ एक सिनेमा हॉल था जिसका नाम था अप्सरा, उसके बगल के रोड से निकलते हुए सिनेमा शो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिनेमा शो, हालांकि बंद था सिनेमा नहीं चल रहा था, लेकिन वो सिनेमा हॉल वहाँ पे था। गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। कहाँ कहाँ पानी भर रहा था? पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर में। पानी की तेज धार पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। उस पानी पे जो विज्ञापन लगे रहते हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, उनकी परछाइयाँ पड़ रही थी जिस कलर में लिखे गए थे, तो ऐसे लग रहा था कि सैकड़ों सांप पानी में रेंग रहे हों कलरफुल। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी मैदान के पर जो रेलिंग लगी हुई थी वहाँ हजारों लोग बाढ़ देखने के लिए हुए आए हुए थे, जो रेलिंग के सहारे खड़े होकर बाढ़ देख रहे थे। गांधी दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। जब दशहरा में रामलीला होता है तो राम रथ जब आता है तो चारों तरफ लोग प्रतीक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अब तो खैर कम हो गया है सब का प्रचलन, पहले भीड़ टूट पड़ती थी, हर घर से लोग हर काम रोक के ये देखने जाते थे कि आज राम की रथ निकलेगी, आज राम की सवारी निकलेगी, तो उसी प्रकार की भीड़ थी। गांधी मैदान के आनंद उत्सव सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गैरिक यानी अभी यहाँ आपने पढ़ा गेरुआ झाग, वही यहाँ गैरिक में दिया है, गैरिक यानी गेरुए रंग का। खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, गेरुए रंग का आवरण, वो जो पानी का कलर था उसके बारे में बता रहे हैं, आच्छादित हो रहा था, मतलब उसको ढक रहा था। आच्छादित होना यानी पूरी तरह से उसको ढक लेना, वो जो स्मृतियाँ थी उसमें ये पानी इस प्रकार चढ़ रहा था कि सारी स्मृतियों को गायब करके सिर्फ वो गेरुए रंग का जो पानी आच्छादित हो रहा था उसको ढक रहा था, सिर्फ वही दे रहा था।
हरियाली पर सहने सहने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। लेखक ने इस प्रकार जो वहाँ मैदान में हरी भरी घासें थीं, पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ थीं, उस पर सहने सहने पानी जो चढ़ रहा था, तो ये लेखक का एकदम नया नया अनुभव था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तब पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो ये कोई एक गंवार आदमी जो काफ़ी हिष्ट पुष्ट था और अधेड़ उम्र का था, वो जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि अरे वाह, दाना मज़ा आ गया, जब दानापुर डूब रहा था, उसका गांव का नाम रहा होगा, तो ये पटनिया यानी पटना के रहने वाले बाबू लोग यानी पढ़े लिखे लोग उलट कर देखने भी नहीं आए थे। अब समझ में आ रहा है कि कैसे बाढ़ में फंसा जाता है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उन्होंने कवि से कहा, जो उनके साथ कवि दोस्त थे उनके, कि देखिए आम आदमी यही होता है साहित्यिक गोष्ठियों में जिसकी खोज की जाती है। इसका वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। लेखक उस कवि महोदय से कह रहे हैं कि ये जो इसने जो अभी वाक्य कहे हैं, इसमें दानापुर के बदले आप कोई भी जगह का नाम जो बाढ़ग्रस्त हो, किसी भी ग्रामीण गांव या क्षेत्र का नाम जोड़ सकते हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पहले रेडियो पे लोग समाचार सुन रहते थे, वही कह रहा लेखक, आकाशवाणी के पटना 7:30 बजे वहाँ समाचार आता था आकाशवाणी से, तो सारे लोग समाचार सुनने बैठ गए थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, मतलब एकदम उत्सुक होके कि देखिए क्या बता रहा है समाचार, क्या क्या कह रहा है बाढ़ के बारे में। तो पूरी तरह उनके अंदर एक उत्कंठा, एक वो था कि बेचैनी कि क्या आ रहा है, एकदम उत्कर्ण होकर उत्सुक होकर सुनने के लिए व्याकुल थे समाचार, इसलिए सब लोग चुपचाप एकदम शांति से समाचार सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। पानी कहाँ तक पहुँच गया था, लेखक के स्टूडियो आकाशवाणी तक, स्टूडियो तक, वहाँ से बताया जा रहा है कि स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है कभी पानी। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। उनके साथ ये तो डर ही रहे थे, इनका कलेजा तो धड़क ही रहा था, साथ में उनके जो कवि मित्र थे उनके चेहरे पर भी डर की परछाइयाँ उभर आईं, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। फिर तुरंत ही एक बार डरे बहुत तेज से फिर नॉर्मल हो गए, यानी पर चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, यानी बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे थे ये, क्योंकि अपने चारों तरफ उन्होंने नज़रें घुमा कर देखी तो कोई भी इतना परेशान नहीं था जितना ये लोग घबराए हुए थे, इसलिए अपने चेहरे को सहज बनाने का प्रयास कर रहे थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। बाकी जो लोग वहाँ से बाढ़ का पानी देख के आ रहे थे, वो आराम से जैसे डेली रहते हैं, डेली रूटीन में अपना हंसते बोलते जा रहे थे बातचीत करते हुए, बल्कि और आज और ही अधिक उत्साहित थे क्योंकि बाढ़ का पानी देख के आ रहे थे। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। हाँ, दुकानदार जो थे वहाँ थोड़ा सा हड़बड़ाहट देखने को मिल रहा था, क्योंकि उनका सामान भीगने का या डूबने का डर था, तो वो अपना सामान नीचे का ऊपर चढ़ा रहे थे, वो थोड़े हड़बड़ाए हुए रख रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। जिनके पास ऊपर रखने का स्थान नहीं था वो अपने सामानों को किसी न किसी साधन से, किसी न किसी यातायात से अपना रख लाद रहे थे उस पर कि कहीं और भेज देंगे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, कोई भी सामान न बेचा जा रहा था न खरीदा जा रहा था, जैसे अभी आपने लॉकडाउन में देखा वही स्थिति थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, आसन्न संकट कोई प्राणी आतंकित नहीं दिखाई दे रहा था। आसन्न संकट यानी पास आया हुआ है, संकट एकदम निकट आ चुका था, फिर भी उस संकट से कोई भी प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोग के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुहर्रमी यानी मातमी, जैसे मातम कोई मनाता है तो चेहरा एकदम बहुत ही दुखी सा नज़र आता है, वैसे ही उस आईने में सिर्फ इन लेखकों, लेखक और कवि महोदय के ही चेहरे मातम से डूबे हुए नज़र आ रहे थे, बाकी सभी लोग नॉर्मल थे। अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो यहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठकर हम पर
हंस सकते थे। लेखक क्या कह रहा है कि हम थोड़ी देर यहाँ और ठहरे तो यहाँ के लोग हमारा मजाक बनाने लगेंगे और हम पर हंसेंगे और मजे लेंगे हमारा। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्या कहेंगे इनको लोग, जरा इन बुजदिले का हुलिया देखिए, इन डरपोकों का हुलिया देखिए, कैसे कांप रहे हैं डर से, क्योंकि यहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोट की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल करके मुड़े पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही मालूम माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी आसामी बामाल, मतलब ये सब बातें कहाँ हो रही थी, ये सब बातें जहाँ लेखक और उस पान की दुकान पे लेखक और कवि महोदय खड़े थे, तो वहाँ पे सब लोग इतने नॉर्मल ढंग से मार कोत रहे कि धनुष कोट की तरह पटना लापता न हो जाए, ये एक स्थान का नाम था जो कभी डूब कर ख़त्म हो चुका था। तो कोई कह रहा है कि चलो ये पटना लापता हो जाएगा, सब पाप धुल जाएंगे, कोई कह रहा है चलो गोल करके मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए यानी ताश खेलते हैं, तो कोई कह रहा है बिस्को मान की बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, तो कोई कह रहा है यही माकूल मौका है, सब लोग अपना सामान अपने घर में रखे होंगे, इनकम टैक्स वालों को इसी तरह रेड डालने चाहिए, कारोबारियों पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, मतलब इस समय सभी लोग अपने जो माल होंगे उसके साथ उसका मालिक भी मिल जाएगा। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कार्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं, क्या क्या ले लूं, हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह की किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कोई कई हिंदी बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा, मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र को ही सुधी लेगा। अब वहाँ से राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कार्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं की पूर्वत बिछी हुई थी, मतलब वहाँ पे पानी नहीं था सीढ़ियों पर, तो वहाँ से ऐसे पत्रिकाएं नीचे बिछा कर पहले लोग बेचते थे उसी प्रकार बेच रहे थे। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ, अर्थात एक सप्ताह के पढ़ने लिखने के लिए कुछ बुक मैगजीन ले लूँ। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या नहीं, हेडली चेज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, प्रचार में होती ना एक सप्ताह में ये भाषा सीखी इस भाषा सीखी, ये सब किताबें भी रखी थी, तो लेखक समझ नहीं पा रहा था क्या लूँ, अथवा एक सिखाने वाली कोई सचित्र बुक ले लूँ जिसमें योगासन का पूरा फिगर दिया हो और उसके बारे में लिखा हो। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देख कर वहाँ का नौजवान मालिक कृष्णा हंसने लगा, जब ये बार बार कभी इस किताब पे कैसे भी उस किताब के को देख रहे थे कि वहाँ का मालिक जो कि एक युवक था कृष्णा जिसका नाम था, वो मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी बंगला और अंग्रेजी से पत्रिकाएं लेकर लौटा, फिर बुक से उनका ध्यान हटा, फिर पत्रिकाओं की तरफ देखने लगे और कुछ पत्रिकाएं अंग्रेजी से पत्रिकाएं लेकर वहां से विदा हो लिए। और दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं कि चलो अब चल घर चलते हैं, पता नहीं कल कैसे मुलाकात होगी, कौन कितने पानी में रहेगा, फिर हाल जो सुरक्षित रहेगा वो जो फंसा हुआ पानी में फंसा रहेगा उसकी खबर लेगा या उसे बचाएगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जब लेखक अपने फ्लैट पर पहुंचा उसी समय जनसंपर्क की गाड़ी जो मतलब जनता को खबर देने वाली जो गाड़ी थी वह माइक पे कुछ घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराते हुए चार बार प्रतिध्वनित होती है। लेखक क्या कह रहा है, उनका जो गोलंबर है बीच का चौराहा और चौराहे पे जो गोलंबर बना है उसके पास कोई भी आवाज़ जब आती है तो सारे बड़े ब्लॉक अगल बगल उसके बहुत बड़े बड़े ब्लॉक बने हैं उनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनसे टकराकर चारों तरफ घूमती हुई प्रतिध्वनित होती है। जैसे आप पहाड़ी पे जाते हैं कोई भी आवाज़ बोलते हैं तो प्रतिध्वनित होकर फिर आपको दो तीन बार सुनाई देती है, वैसे ही उनके इलाके में होता था और चार बार प्रतिध्वनित होती थी कोई भी आवाज़। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे
कोई भी जब प्रचार करता है, माइक से अनाउंस करता है, तो एक बार बोल कर चुप हो जाता था, जिससे वो जब प्रतिध्वनि आती थी दो तीन बार, वह सुनाई देती थी। पुकार मड़राती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। जब एक बार वो भाइयों बोलकर चुप हो जाता था तो प्रतिध्वनि तीन बार आती थी भाइयों की। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचा कर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, ए सुन मेरे मितवा। ये एक गाना था उस समय का, और वो एक रिक्शे वाले के बारे में बात कर रहा था कि अक्सर पहले रात में एक रिक्शा चालक जो है इस जगह आकर इस तरह से बोलता है, अपना एक लाइन गाने की सुनाता है, तो वो लाइन प्रतिध्वनित होती है, उसे अच्छा लगता होगा इसलिए वो सुनाता होगा। ये एक तरह से वहाँ के अपने परिवेश को दिखाने के लिए लेखक इस तरह की बातें बता रहा है कि उस समय कैसा माहौल रहता था, कैसा परिवेश रहता था। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किए जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लेहानीपुर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। क्या अनाउंस हो रहा था माइक पे, क्या बोला जा रहा था कि संभावना ऐसी थी कि कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, लोहानीपुर इन सब में बाढ़ का पानी रात में घुस सकता है, अतः आप लोग सावधान रहिएगा, अपनी सुरक्षा किए रहिएगा कि हमको हो सकता है रात में पानी अगर घुस जाए तो हमें कैसे बचना है। प्रतिध्वन सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। लास्ट में जब सावधान हो जाए बोलकर वो रुक गया अनाउंस करता, तो ये प्रतिध्वनित होकर दो तीन बार और सुनाई दिया, सावधान हो जाए सावधान हो जाए। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है, अपने घर की मालकिन से उन्होंने पूछा या अपनी पत्नी से कि गैस का क्या हाल है, मतलब गैस कितने दिन तक चल जाएगी। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। गृहस्वामिनी क्या बोली कि वही तो डर है, अब गैस खत्म ही होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता है। जैसे आज भी हम समझ नहीं पाते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस होगी, हम उठाते हैं अंदाज़ा लगाते हैं, या जितने दिन गैस चलता है उस हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कितने दिन हो गया अब ख़त्म ही होने वाला होगा। तो वही बात थी, वो अंदाज़ा लगाकर अंदाज़ा है कि एक या दो दिन चल जाएगा। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल है। क्या कहती हैं, कोयला है, स्टोव भी है, मगर किरासन यानी मिट्टी का तेल एक ही बोतल है जिससे स्टोव जलाई जाती है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, जैसे उनकी पत्नी ने कहा कि गैस का पता नहीं चलता, मीटर उटर तो उसका कुछ नापने का है नहीं कि कितना है, उसी तो ये लेखक कह रहे हैं कि पानी का फिलहाल भी वही हाल है, पता ही नहीं चलता कब आ धमकेगा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान कुछ देर गूंजती रही, वो जो अनाउंस करता आया था, जो जनसंपर्क गाड़ी आई थी उसी की आवाज़ प्रतिध्वनित होकर गूंज रही थी। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, हमारा कमरा धुएं से भर गया। कागज दुकानदार रखते हैं कुछ सामान को, उसमें पैकेट बनाकर रैप करके बेच देते हैं, तो उस दुकानदार के पास बहुत सारा कागज था, लेखक बता रहे हैं, और उसने जब और सामान अपना ले जाने लगा तो कागज को जला दिया अलाव बनाकर, और उस कागज के जलने से जो धुआं हुआ उससे लेखक का कमरा पूरी तरह भर गया। सारा शहर जगा हुआ है, पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पिरमुहानी या सलीमापुर पूरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सारा शहर रात हो गई थी लेकिन सारा शहर जग रहा था पश्चिम की ओर, यानी जिधर से बाढ़ आ रही थी। लेखक उधर से कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता रहा। कुछ जगहों के नाम हैं, फिर मुहानी, सलीमापुर, अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था कि 1:30 बजे तक पानी उनकी मोहल्ले यानी राजेंद्र नगर में पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं, कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ सोचता है नींद नहीं आएगी तो कंपोज की टिकिया ले लूँ, नींद की गोली ले लूँ, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ, कविता
शीर्षक बाण आकुल प्रतीक्षा। धत अपने मन में सब बातें सोचता है कि क्या लिखूं, पहले सोचता है कविता लिखूं, फिर शीर्षक उसका क्या होगा, बाण आकुल प्रतीक्षा, फिर खुद ही कहता है धत ये सब क्या मैं सोच रहा हूँ। अर्थात लेखक जब सोने की कोशिश करता है उसको नींद नहीं आती है तो वो सोचता है कि मैं नींद की गोली ले लूँ, फिर सोचता नहीं नींद की गोली अभी नहीं, अभी कुछ लिखूँ, तो फिर सोचता कविता लिखूँ, तो उस कविता का उसका दिमाग में शीर्षक आता है बाण आकुल प्रतीक्षा, फिर उसे अपने आप पे भी हंसी आती कहता है धत ये कोई भी शीर्षक हुआ, बाण की भी कोई प्रतीक्षा करता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।